नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हाँ उमेश्वर नारायण तुहाडा टीचर। प्यारे बच्चों, आज असी जमात अठवीं दा पाठ 15 1857 ईस्वी दा विद्रोह इस दे भाग तीसरे बारे बच्चे अज चर्चा करांगे। प्यारे बच्चे, इस तो पहला असी इस पाठ दे दो भाग जड़े ने वो कर चुके हाँ, और इना दोहां भागां दे विच सब तो पहले भाग दे विच असी इस पाठ दे राजनीतिक कारणां दे बारे चर्चा कीती सी, और पाठ दो दे विच असी समाजिक अते धार्मिक कारण और इस दे नाल नाल आर्थिक कारण, सैनिक कारण और अंत दे विच तत्कालीन कारणां दे बारे बच्चो जाणिया सी। और प्यारे बच्चो, 1857 ईस्वी दे विद्रोह दे कारणां नूं जाणन तो बाद अज असी इस विद्रोह दीआं मुख घटनावां दे संबंध विच जानकारी प्राप्त करांगे। तो प्यारे बच्चो, आओ असी इस पाठ दे चर्चा दे वल अगे वधीए। प्यारे बच्चो, जिस तरह असी पाठ दे शुरुआत दे विच इस दे कारणां नूं सिलसिलेवार पढ़िया है एक एक करके, और उस दे असी पाठ दे नाल माइंड मैप एक बनाया सी, और उस माइंड मैप दे अनुसार ही असी हौली हौली अगे चले सी। तो आज जो असी पढ़न जा रहे हाँ, इस पाठ दी चर्चा करांगे, तां इहदे विच जिहड़ियां बच्चो घटनावां असी पढ़ांगे उन्हां घटनावां दे बारे भी असी पहला देख लईए किहड़ियां किहड़ियां घटनावां दे बारे असी जानना है। सब तो पहला है बच्चो बैरकपुर दी घटना, जिथे कि इह विद्रोह शुरू होया सी, और इस तो बाद मेरठ दी घटना है। मेरठ दी घटना तो बाद दिल्ली दी घटना, इहदे बारे असी चर्चा करांगे। दिल्ली दी घटना तो बाद कानपुर दी घटना दे बारे चर्चा करांगे, कानपुर तो बाद लखनऊ दी घटना, और अंत दे विच असी झांसी दी घटना जिहड़ी है उस दे बारे बच्चे चर्चा करांगे। तो असी इना घटनावां नूं सिलसिलेवार लड़ीवार एक एक करके देखदे हां। तो आओ सब तो पहला असी बैरकपुर दी घटना दे बारे जानकारी प्राप्त करन दी कोशिश करिए। बच्चो, ये जो सामने सानू मैप नजर आ रहा है, भारत दा मैप है, और भारत दे इस नक्शे दे विच तुहानू बहुत सारी जगह जिहड़ियां ने वह डॉटड दे विच नज़र आ रही ने। तो बच्चो, ये तो बहुत सारिया थावां ने, बट असी उन्हां दी चर्चा करांगे बच्चो जिहड़ी कि साढ़े इस किताब दे सिलेबस दे विच दित्तियां गईयां हन, और उहदे विच बच्चो सब तो पहली जो घटना है वह है बैरकपुर की घटना। तो इस भारत के नक्शे दे विच जो असी सामने हुण देख रहे हाँ, ये बच्चो बैरकपुर है, जो कि कलकत्ता दे कोल है। और सब तो पहली घटना 1857 दे विद्रोह दी इस थान ते घटित होई सी। विद्रोह दीआं मुख घटनावां दे विच असी देखदे हां कि 1857 ईस्वी दा विद्रोह बैरकपुर तों शुरू होया। इस विद्रोह दी अगवाई
मंगल पांडे ने की सी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी दे विच एक सैनिक से। बच्चे असीं जानते हाँ कि उस समय अंग्रेजी सेना दे विच अजे ही राइफल आई सी जिसनू चलाउण दे वास्ते उहदा जो कारतूस सी उसनू मूंह दे नाल पहला खोलना पैंदा सी। उस कारतूस दे विच गां ते सूर दी चर्बी जो है वह मिली हुई सी। तो मंगल पांडे ने इना चर्बी वाले कारतूसा नू चलाउण तो मना कर दिता और अपने साथी जिन्ने भी सैनिक ने उन्होंने भी उसने अजिहा करन लई किया। जदों एक अंग्रेज अफसर सार्जेंट हसन ने उसनू चर्बी वाले कारतूसां दी वरतों करन लई मजबूर किया तां मंगल पांडे ने उस अंग्रेज अफसर हसन नू गोली मार दिती। तो इस तरह मंगल पांडे जो सी सब तो पहला अजिहा सैनिक सी जिसने चर्बी वाले कारतूसां नू चलाउण तो मना कर दिता सी और अपने सैनिक अफसर दा हुक्म मनन तो इनकार किया। जदों उस सैनिक अफसर हसन ने उसनू मजबूर किया तो अंग्रेज सैनिक नू मंगल पांडे ने गोली मार दिती। सरकार ने मंगल पांडे नू बंदी बनाउण दा हुक्म दे दिता। मंगल पांडे नू अंग्रेजा ने गिरफ्तार कर लिया अते 8 अप्रैल 1857 नू फांसी दे दिती गई। तो इस तरह मंगल पांडे 1857 ईस्वी दे विद्रोह दा पहला शहीद बनिया। उस दी शहीदी ने भारतीय सैनिकां दे विच एक नवी रूह फूक दिती और उस तो बाद बहुत सारे भारतीय सैनिकां ने अंग्रेजी सेना दे विच जो अंग्रेज अफसर सन उन्हां दे हुक्म मनन तो इनकार कर दिता और ये बगावत जड़ी है दूर दूर तक फैल गई। तो बच्चों इस बैरकपुर तो बाद असी देखते हाँ अगली घटना जड़ी है वो है मेरठ दी। तो बच्चों ये मेरठ है जो कि असी नक्शे दे विच देख रहे हाँ। बैरकपुर की घटना जड़ी सी उसकी सूचना जड़ी है मेरठ तक जो पहुंची तो मेरठ दे विच भी लगभग 85 भारतीय सैनिकों ने यह चर्बी वाले कारतूस जड़े ने उन्होंने चलाउण तो इनकार कर दिता और मंगल पांडे की तरह जिस तरह मंगल पांडे नू गिरफ्तार कर लिया सी इस तरह उन्होंने भी उत्थे मेरठ दे विच सैनिकों नू गिरफ्तार कर लिया गया कैद कर लिया गया जिन्हां ने एक चर्बी वाले कारतूस चलाउण तो मना किया सी। और इस नाल की होया सारे भारतीय सैनिक जिहड़े ने वो भड़क उठे और उन्होंने बगावत कर दिती और उन्होंने 31 मई जो कि सारे भारत विच विद्रोह करन दी एक निश्चित मिति सी उस निश्चित मिति दा इंतजार किते बिना ही 10 मई 1857 नू ही उन्होंने जेल तोड़ के ते अपने साथियों नू रिहा करवा लिया और उन्होंने अंग्रेज अफसरां ते उन्होंने परिवारां नू भी कतल कर दिता। अंग्रेजां दे घरां नू साड़ दिता गया ते इह सुतंत्रता सेनानी जिहड़े ने उह दिल्ली वल चल पए। तो बच्चो असी जो नक्शा देख रहे हाँ मेरठ दे विच इह घटना होई और मेरठ दी घटना दे विच उह सुतंत्रता सेनानी असी देखिया कि किधर चल पए
दिल्ली वा, तो ये दिल्ली है जो कि मेरठ दे कोल ही है। 10 तरीक नूं बच्चे वो चले सी और मेरठ की घटना तो बाद जिहड़े भारतीय सैनिक ने 11 मई 1857 नूं भारतीय सैनिक दिल्ली पहुंच जांदे ने और दिल्ली का जिहड़ा अंग्रेज कमांडर सी रिपले उसने उन्होंने रोकण का यतन किया पर वह सफल नहीं हो सकिया। कर्नल ते होर अंग्रेज अफसरां दा इन्हां सुतंत्रता सेनानियों ने कतल कर दिता ते भारतीय सैनिक जिहड़े ने उन्होंने दिल्ली के लाल किले के उत्ते कब्जा कर लिया। उन्होंने बहादुर शाह जफर नूं अपना बादशाह ऐलान कर दिता जो कि आखिरी मुगल शासक सी उस समय दा और काफ़ी बुजुर्ग हो चुका सी। और बच्चों ये जो लहर चली बगावत दी ये लहर बड़ी जल्दी ही अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी और बुंदेलखंड दे विच भी फैल गई और उस तो बाद ये विद्रोह इत्थे सीमित नहीं रहा। कानपुर, लखनऊ, झांसी और बिहार दे विच भी फैल गया और हौली हौली इस तो बाद पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश दे विच भी इस लहर दा जिहड़ा है बहुत डूंघा प्रभाव पिया। लेकिन अखीर दे विच जनरल निकलसन जिहड़ा है जिहड़ी कि आपां दिल्ली दी घटना दा जिक्र कर रहे हां तो इहदे विच जनरल निकलसन जिहड़ा सी उसने सिख फोर्स ते गोरखा फोर्स की मदद दे नाल 14 सितंबर नू दिल्ली दे उपर अपना दोबारा कब्जा जिहड़ा है वो कर लिया। तो यह अंग्रेज अफसर सी जनरल निकलसन। अंग्रेजा ने बहादुर शाह जफर नू कैदी बना के रंगून भेज दिता। बचो ये रंगून जो है साढ़े भारत का गवांडी मुल्क बर्मा है, पुराना नाम यदा बर्मा सी इस देश का, अजकल इस नू मनवार आखते हैं और जदों इनू बर्मा आखते सी उस समय की राजधानी रंगून सी और अजकल इस दी राजधानी नू रंगून नहीं किया जाता योंगोन किया जाता है। तो बचो बहादुर शाह जफर नूं कैदी बना के अंग्रेजा ने रंगून भेज दिता और उसके दो जो दो पुत्र सन बहादुर शाह जफर दे उन्होंने अंग्रेजा ने गोली मार दी और बहादुर शाह जफर कुछ समय बाद उते रंगून दे विच ही उसकी मौत हो गई और इस दे नाल ही मुगल सम्राट की पदवी भी खत्म हो गई जो कि बाबर तो यह मुगल वंश चले आ रहा सी। बहादुर शाह जफर की मौत दे नाल ही इस वंश का भी शासन जो है भारत दे विच समाप्त हो गया। तो बच्चो असी सामने नक्शे दे विच दिल्ली की घटना दे बारे जानिया। इस तो बाद असी कानपुर की घटना दे बारे जानते हाँ। ये कानपुर है नक्शे दे विच जो सानू दिखाई दे रहा है। कानपुर की घटना दे विच नाना साहिब ते तांतिया टोपे का जो है बहुत बड़ा रोल है। नाना साहिब ने अपना जिहड़ा प्रसिद्ध जनरैल सी उन्हां दा तांतिया टोपे, नाना साहिब दा जनरैल सी तांतिया टोपे, उसकी सहायता दे नाल उन्होंने कानपुर के उत्ते कब्जा कर लिया और उन्होंने अंग्रेज अफसरां दा भी कतल कर दिता बहुत सारे। और 17 जुलाई 1857 नूं जनरल हैवलॉक ने तांतिया टोपे नूं हरा के दोबारा कानपुर दे उत्ते अंग्रेजां दा जिहड़ा कब्जा हो गया और इस तों बाद नाना साहिब जो है वह नेपाल जाके उन्होंने शरण ली जबकि तांतिया टोपे उत्थों भज के झांसी की राणी लक्ष्मी बाई दे कोल चला गया। तो बच्चो
कानपुर की घटना पा पढ़ी है। तो कानपुर तो बाद असी देखते हाँ लखनऊ, यह लखनऊ है बच्चो। लखनऊ जो है ये अवध की राजधानी सी, अवध एक रियासत सी और नवाब वाजिद अली शाह इथों का शासक सी। अवध के लोगों ने भी इस विद्रोह दे विच वध चढ़ के हिस्सा लिया। इन्हां विद्रोहियों ने बहुत सारे अंग्रेजा नूं मार दिता और जदों जनरल हैवलॉक अंग्रेजा की सहायता करन लई आया तो लखनऊ पहुंचदिया ही विद्रोहियों ने उसनों भी कतल कर दिता। के अंत विच अंग्रेजा ने लखनऊ दे उत्ते भी कब्जा कर लिया। तो बच्चों लखनऊ की घटना तो बाद असी देखते हाँ कि अगली घटना जड़ी है आखिर दे विच वो है झांसी। तो इस नक्शे दे विच ए झांसी स्थित है। तो इत्थे ए घटना हुई। झांसी दे बारे बच्चो तुसी जानते हो, इत्थों दी राणी लक्ष्मी बाई जो सी उस दे दिल दे विच अंग्रेजां दे प्रति बड़ा रोस सी, क्योंकि अंग्रेजां ने राणी दे गोद ले पुत्तर नूं उसका वारिस मनन तो इनकार कर दिता सी, क्योंकि राणी का अपना कोई पुत्तर नहीं सी, उसने एक गोद लिया सी पुत्तर। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने जिहड़ी एक लैप्स की नीति चलाई सी उस दे अनुसार अगर किसी राजे का अपना बच्चा नहीं है तो द्वारा गोद लिया होया कोई बच्चा अगर है तो उसनू उस शासक का उत्तराधिकारी नहीं सी मन्या जाता। तो इस करके अंग्रेजा ने राणी दे गोद ले पुत्र नू वारिस मनन तो इनकार कर दिता। तो इस करके राणी लक्ष्मी बाई दे दिल विच भी अंग्रेजा दे प्रति बड़ा रोष सी, इसलिए उसने भी अंग्रेजा के विरुद्ध संघर्ष शुरू कर दिता। अंग्रेजा ने झांसी के उत्ते हमला कर दिता। झांसी की राणी अंग्रेजा के विरुद्ध बड़ी बहादुरी के नाल उस समय लड़ी। और प्यारे बच्चों 1857 विद्रोह जदों असी पढ़ते हाँ तो उस दे विच झांसी की राणी लक्ष्मी बाई का वर्णन जड़ा है ये जिक्र योग आंदा। अंग्रेजा ने भी इस बहादुर वीरांगना की तारीफ की है और बड़ी बहादुरी दे नाल लड़ी सी। तांतिया टोपे जो कि राणी दी लक्ष्मी बाई की सहायता लई पहुंच चुकिया सी, उन्हें भी राणी लक्ष्मी बाई की सहायता की, परंतु बहादुरी दे नाल लड़दी हुई वैरियां दे हत्थों शहीदी प्राप्त कर गई। प्यारे बच्चों ओ जीवंदे जी अंग्रेजां दे हाथ नहीं आई, लड़दे लड़दे उसने शहीदी प्राप्त की। कुछ समय बाद तांतिया टोपे जो है वो भी पकड़े गए अते उसनू भी अंग्रेजा ने 1859 दे विच फांसी की सजा दे दित्ती। तो इस तरह 1857 ईस्वी का विद्रोह जड़ा है बेशक वो सफल नहीं हो सकिया, पर ये जड़ी विद्रोह की घटना सी बच्चो ये भारत के इतिहास दे विच एक युग पलटाऊ घटना के रूप दे विच उभरी। और आने वाले जिन्ने भी सुतंत्रता सेनानी ने उन्होंने इस घटना ने एक नवी सेध दिती और कुछ नवे सबक जड़े ने वो दिते और भारतीय लोगों नूं ये एहसास दिवाया कि असी अंग्रेजा तो आज़ाद होना है और अंग्रेजा ने साडे देश दे उपर कब्जा किया होया है। तो ये जो 1857 ईस्वी का विद्रोह सी इसे दे कारण हौली हौली बाद विच
कई अंदोलन चले और अंत विच 1947 नूं देश नूं आजाद करवा लिया जांदा है। तो इस क्रांति दी जिहड़ी घटनावां सन ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਹੀ ਇਸ 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1857 ਈਸਵੀ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੋ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਪਹਿਲਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਖਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫ਼ਰ। ਅਗਲਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਡੈਸ਼ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਅਤੇ ਗੁਰਖਾ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੋ ਬੱਚਿਓ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਜਿਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਨ ਜਨਰਲ ਨਿਕਲਸਨ। ਇਹ ਸੀ ਜਨਰਲ ਨਿਕਲਸਨ ਜਿਸਨੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਅਤੇ ਗੁਰਖਾ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੋ ਆਖਰੀ ਬੱਚੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਡੈਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੋ ਕੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੂਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਰੰਗੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹ ਮਨਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਬਰਮਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੰਗੂਨ ਸੀ। ਤੋ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਰਮਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰੰਗੂਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। 17 ਜੁਲਾਈ 1857 ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਨੇ ਤਾਂਤੀਆ ਟੋਪੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਤਾਂਤੀਆ ਟੋਪੇ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਕਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸੀਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਸਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ? ਤੋ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਨਰਲ ਹੈਵਲਾਕ। ਜਨਰਲ ਹੈਵਲਾਕ ਨੇ ਤਾਂਤੀਆ ਟੋਪੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕਾਨਪੁਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਨਰੈਲ ਡੈਸ਼ ਸੀ? ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂਤੀਆ ਟੋਪੇ। ਤਾਂਤੀਆ ਟੋਪੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ, ਸਮਝਦਾਰ ਔਰ ਚੁਸਤ ਜੋ ਸੀ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਨਰੈਲ ਸੀ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੋ ਆਖਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਾਈ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜਾ ਡੈਸ਼ ਸੀ। ਤੋ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਰੋਸ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜਾ ਰੋਸ ਸੀ। ਤੋ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਸਹੀ ਗਲਤ। ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫ਼ਰ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਗੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ,
अंग्रेजा ने किसी नूं कोई जागीर नहीं दित्ती। उन्होंने तो बहादुर शाह जफर के दो पुत्रां नूं गोली मार दित्ती सी। तो ये जड़ा सवाल गलत है। तो अगला सवाल है, नाना साहिब ने अपने प्रसिद्ध जनरल तांतिया टोपे की सहायता दे नाल कानपुर ते कब्जा कर लिया। तो इस सवाल का जवाब है बिल्कुल सही। तो ये बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, लखनऊ अवध की राजधानी सी। हाँ बच्चों, ये भी बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला सवाल, जदों जनरल हैवलॉक अंग्रेजां दी सहायता करन लई लखनऊ पहुंचया तां विद्रोहियां ने उसनू कमरे विच डक दिता। तो बच्चों ये सवाल जो है बिल्कुल गलत है। विद्रोहियां ने किसी नू भी कमरे विच नहीं डकिया। इस दे बारे असी कोई भी जिक्र जड़ा है इस दे नहीं होया कि किसी नू कमरे विच डकिया होवे उन्होंने। तो ये जड़ा है बिल्कुल गलत है। आखिरी सही गलत दे विचों साडे कोल बच्चों अगे सवाल है, झांसी दी राणी ने अंग्रेजां विरुद्ध संघर्ष शुरू कर दिता। तो ये बिल्कुल सही है, इसका जड़ा जवाब है सही है। तो आगे चलिए, सही विकल्प चुनो। तो सही विकल्प चुनो दे विच पहला प्रश्न है साडे कोल, 1857 ईस्वी का विद्रोह कित्थों शुरू होया? पंजाब, बैरकपुर, दिल्ली जां कानपुर? हाँ तो प्यारे बच्चों इसका सही विकल्प केड़ा हो सकता है? बिल्कुल सही है, बैरकपुर। बैरकपुर दे विच ही मंगल पांडे ने अपने जड़े सैनिक अफसर का हुक्म मनन तो इनकार कर दिता सी। तो अगला सवाल है, मंगल पांडे ने किस अंग्रेज अफसर नू गोली मार दित्ती सी? रिपले, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग जां हसन? तो प्यारे बच्चों इसका सही जवाब है हसन, जिसनू सर्जेंट हसन भी अपा आखते हैं। तो अगे चलिए, अगला सवाल है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का पहला शहीद कौन सी? तांतिया टोपे, मंगल पांडे, नाना साहेब जां लक्ष्मी बाई? तो प्यारे बच्चों इसका सही जवाब है मंगल पांडे। तो जो बैरकपुर की पहली घटना आप पढ़ी है अज, तो उस दे विच आप पढ़िया सी कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का पहला शहीद मंगल पांडे सी। तो आखिरी सवाल है आज दी इस चर्चा का, दिल्ली दे किस अंग्रेज कमांडर ने भारतीय सैनिकों नूं रोकण दा यतन कीता सी? रिपले, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग जां हसन? तो इसका सही जवाब है रिपले। रिपले ने भारतीय सैनिकों नूं जो कि मेरठ तो आए सन उन्होंने रोकण का यतन किया सी, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सकिया। तो प्यारे बच्चों आस है कि जो भी अज असी चर्चा कीती है तो इस दे बहुत सारे तत्थ और पॉइंट तुसी अपनियां कापियां दे विच नोट कर ले होंगे। और बच्चों इन्हां नूं कापियां दे विच सिर्फ नोट ही नहीं करना, इन्हां नूं याद करना है। और आस है तुसी ए पाठ जो है जिन्ना असी चर्चा कर चुके हैं इस तों पहलां भी और हुण भी और अज भी, इस सारे चर्चा नूं अपनी किताब दे विचों दोबारा एक बारी देखोगे और यदि दोहराई करोगे। तो आज दा इन्ना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।